प्रभु यीशु मसीह विच तुहानू सब नू मेरा सलाम। अज दा साडा विषय है दुख, ते दुख दे विच दुख दे किन्ने स्तर है। दुख दे पंज स्तर असी देखांगे, जिहदे विचों सब तो पहला है इनकार, डिनायल। इनकार किस चीज़ दा? इनकार साडे प्रभु यीशु मसीह दा या परमेश्वर दा। इनकार प्रभु दे वचन दा असी कर दिंदे हां कि शायद दुख मेरे पापां दी खातिर या मैनू जबरदस्ती दुख दित्ते गए है। इस तरह नहीं हो सकता। खुदा ने कहा कि संकट के समय मैनू पुकार, मैं तेरी सुनांगा। असी पुकारते नहीं हैं, असी परमेश्वर नू याद नहीं रखते। असी उस दुख लई परमात्मा दे अगे अपनी फरियाद नू जरूर रखिए। दुख का दूसरा स्तर है गुस्सा। जदों दुख आता है, गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि असी सोचते हैं कि साढ़े ते दुख क्यों आया, सानू ये मुसीबत क्यों आई, साढ़े उपर यह कष्ट क्यों आया। लेकिन गुस्सा नहीं करना, गुस्सा परमेश्वर दे लई एक पाप है। पवित्र वचन च लिखा है गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। तो ये अगर असी गुस्सा करते हैं, असी किसी दूसरे नू अपने आप कसूरवार ठहराने हैं, तो यदा मतलब है कि असी गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, असी अपने परमेश्वर पिता नू याद रखिए, असी अपने प्रभु यीशु मसीह नू याद रखिए, जिहड़ा कि हर वेले साडे लई मदद करन लई तैयार है, सानू हमेशा मदद देण लई, साडे दुखां नू दूर करन लई तैयार है। दुख दा तीसरा स्तर है बारगेनिंग या सौदा। हुण सौदा किस चीज़ दा? जदों असी कई बार बीमार हो जाने हैं, कोई दुख मुसीबत आ जाती है, असी वकील कोल या असी डॉक्टर कोल जाने हैं, असी कहने जिन्ने मर्जी पैसे, जिन्नी मर्जी कौड़ी दवाई दे दो, सानू ठीक कर दो। डॉक्टर कोल जाना जरूर है, वकील कोल जाना, सलाह लेना जरूरी है, लेकिन खुदा नू नहीं भुलना, जिहड़ा कि हर संभव कोशिश साडे लई करदा है कि सानू दुखां तों दूर करे। साडे दुखां दा चौथा पड़ाव है या चौथा स्तर है डिप्रैशन। डिप्रैशन तनाव। दुख दे वेले तनाव होना बहुत ही स्वभाविक, बहुत ही लाजमी भी है, क्योंकि जदों साडे ते तनाव आंदा है, असी कित्थे जाने हैं? असी परमेश्वर कोल जाने हैं, वचन नू पढ़दे हैं, क्योंकि पवित्र वचन च लिखा है कि विश्वास जिहड़ा है वह खुदा दे वचन पढ़न नाल आंदा है। और वचन कित्थों मिलदा? सानू खुदा दे पवित्र कलाम विच्चों ही वचन मिलदा है, और उस वचन दे नाल सानू विश्वास हो जाता है कि असी जिहड़ी भी मुसीबत, जिहड़े भी दुख, जिहड़ी भी परेशानी दे विच हैं, खुदा साडे नाल है, और अगे अगे चलण वाला परमेश्वर है, हमेशा संग रहण वाला परमेश्वर है, कदी धोखा नहीं देगा और कदी सानू छड्डेगा नहीं, ना कदी त्यागेगा। पंजवां ते आखिरी स्तर एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। किस चीज़ नूं स्वीकार करना? अपने दुखां नूं, उस वेले नूं स्वीकार करना जिस वेले साडे ते दुख आए। जरूरी नहीं है कि जदों कोई साडा अजीज़ चला जाए या परमेश्वर नूं प्यारा हो जाए तो असी उस चीज़ नूं सदा लई याद रखिए। एक वक्त हुंदा है जदों टाइम दे नाल असी उस चीज़ नूं भुलदे हैं, और अपनी जिम्मेवारियां नूं, अपने कर्तव्यां नूं आपां याद रख के अगे वधण दी कोशिश करदे हैं। और खुदा ने भी कहा कि थके मानदे और बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। असी थके मानदे जिहड़े लोग हैं, असी जे परमेश्वर कोल जावांगे वह पक्का सानू आराम देगा। अगला साडा जिहड़ा विषय होएगा वह होएगा कि असी परमेश्वर तो अच्छियां वस्तुआं ते चंगा समय ही मंगीए या फिर मुश्किल भी। उदों तक परमेश्वर दे विच सब बने रहो। तुहानू सब नू मेरा प्यार भरा सलाम।